नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPPCS 1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा आरओ की हिंदी के लिए एक स्पेशल बैच हिंदी अमोघ बैच के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस बैच में मिलने वाले सभी सेक्शनल टेस्ट को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आरओ के हिंदी के पेपर में आपसे कुल मिलाकर के 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द, ये सभी शामिल हैं। सेक्शनल टेस्ट में आपको हर टॉपिक के दो दो पार्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और इन सभी टेस्टों का प्रारूप दोस्तों वैसा ही रहेगा जैसा आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैसे आपके पेपर में कुल मिलाकर के 60 प्रश्न आते हैं, आप सभी को मालूम होगा, और ये जो 60 प्रश्न हैं आपके कुल 6 टॉपिक के, हर टॉपिक से आपसे 10-10 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले टॉपिक तत्सम तद्भव का पहला पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है सुहाग, दूसरा रीस, तीसरा है भाभी और चौथा है मनुष्य। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वो करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा मानव। और बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ही आपके तद्भव शब्द हैं, जिसमें सुहाग जो है इसका तत्सम होता है सौभाग्य, और रीस दोस्तों इसका होता है तत्सम शब्द ईर्ष्या, और भाभी का तत्सम रूप हो जाता है भ्रातृ भार्या, जिसमें भ्रातृ का अर्थ होता है भाई और भार्या का अर्थ होता है पत्नी, तो भाई की पत्नी जिन्हें हम भाभी कहकर संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा अंगोछा, आपका जो शब्द दिया गया है ये दोस्तों आपका तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम रूप का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका अग्निष्टिका, दूसरा है आपका अंगरक्षक, तीसरा है आपका अंगप्रोक्षा और चौथा आपका ऑप्शन है अंगरक्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि अंगप्रोक्षा। क्लियर है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों, इनमें से निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का आपको चयन करके बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आशीष, दूसरा है दर्शन और तीसरा है आपका आश्रय और चौथा है आपका उद्घाटन। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, दर्शन। दर्शन ये दोस्तों आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है दर्शन, इस प्रकार लिखते हैं हम तत्सम में। ठीक है, दर्शन। और बाकी जो आपको शब्द दिए गए हैं ऑप्शन में, ये सभी आपके पहले से ही तत्सम रूप हैं। यहाँ पर आशीष की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका तद्भव रूप होता है आशीष, ठीक है, आशीष। और आश्रय का तद्भव रूप होता है दोस्तों आसरा, और उद्घाटन का होता है दोस्तों तद्भव रूप उघाड़ना, क्या होता है, उघाड़ना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है आपसे, पूछा गया है चाक शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। जो चाक आपका शब्द है ये आपका कैसा है, तद्भव रूप है शब्द का, तो ये आपका तत्सम रूप, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चकवा, चाकू, चक्र और चक्र। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, चक्र। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका क्षेत्र, खेत, कचहरी और सियार। तो दोस्तों ये जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से आपका पहला जो ऑप्शन है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र जो है ये आपका तत्सम रूप हो जाएगा। और यदि हम बात करें ये आपके किस शब्द का तत्सम रूप है, तो आपके यहीं पर ऑप्शन में ये शब्द मौजूद है, खेत, ठीक है, तो खेत का तत्सम रूप होता है क्षेत्र। और बाकी ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों ही आपके दोस्तों कैसे हैं, तद्भव रूप है, जिसमें कचहरी जो दिया गया है, कचहरी का तत्सम रूप होता है दोस्तों कृत्य ग्रह, क्या होता है, कृत्य ग्रह, कृत्य ग्रह। और सियार का दोस्तों तत्सम रूप होता है श्रृंगाल, क्या होता है, श्रृंगाल। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द को बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है आशीष, दूसरा है आपका केस, तीसरा है कार और चौथा है आपका दोस्तों ताप। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका तद्भव शब्द है। इसकी यदि हम तत्सम शब्द की बात करें तो दोस्तों ये तद्भव, इस तद्भव शब्द का तत्सम रूप होता है केश। और आशीष का दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कार्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका तद्भव रूप होता है काज। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है कार्य और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा काज। और ताप जो है ये भी दोस्तों आपका कैसा है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाता है ताप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसू का तत्सम रूप आपको बताना है। आंसू शब्द दिया गया है, इसका हमें तत्सम रूप का चयन करना है। इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं चार, अक्षी, चक्षु, अश्रु और अभ्र। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो ए और बी ऑप्शन है, ये आपके अक्षी और चक्षु, ये दोनों ही आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अभ्र शब्द दिया गया है, ये दोस्तों बादल का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कंगन शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है कंकती, दूसरा है कंकड़, तीसरा है आपका कंटकी फल और चौथा है दोस्तों आपका कंसारी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कंकड़। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कंगन शब्द का तत्सम रूप होता है कंकड़। जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कंकती, कंकती, तो ये आपका कंघी का तत्सम रूप होता है। कंटकी फल दोस्तों ये कटहल का, कटहल का ये होता है तत्सम रूप। और कंसारी की यदि बात करें तो दोस्तों ये आपके कृष्ण, ठीक है, भगवान जो कृष्ण हैं इनके नाम का ये पर्यायवाची है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है पोथी, दूसरा है अंगीठी, तीसरा है आपका अगहन और चौथा है आपका मयूर। तो इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मयूर, जिसका तद्भव रूप होता है मोर। यानी कि हम कह सकते हैं मोर का तत्सम शब्द क्या है, मयूर है। बाकी के जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों ही ऑप्शन दोस्तों ये तद्भव शब्द हैं पहले से ही। इनके यदि हम तत्सम की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपका पोथी, इसका तत्सम रूप होता है दोस्तों पुस्तक। क्या होता है, पुस्तक। अंगीठी का दोस्तों होता है तत्सम शब्द अग्निष्टिका। अंगीठी का क्या होता है दोस्तों, अग्निष्टिका। इसके बाद जो आपका एक और ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये है अघहन। अघहन होता है अग्रहायन। क्या होता है, अग्रहायन। तो ये दोस्तों आपके बाकी के ऑप्शन हो गए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कड़वा जो शब्द है इसका तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चड़क, महार्क, कति और कटु। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कटु। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इनकी यदि हम बात करते हैं तो चड़क दोस्तों इसका मतलब होता है चना। ठीक है, चड़क जो है ये चने का तत्सम शब्द है। महार्ग ये दोस्तों महंगा, महंगा शब्द का तत्सम रूप है महार्ग। और कति दोस्तों होता है कई, कई शब्द का ये क्या है, तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से गेहूं, गेहूं का आपको तत्सम रूप बताना है। ठीक है, गेहूं शब्द आपको दिया गया है, यहाँ पर हमें इसके तत्सम शब्द का चयन करना है। आपके चार ऑप्शन हैं, गृद्र और गोधूम, ग्रंथि और गौ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, गोधूम। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें तद्भव शब्द कौन सा है। पहला है आपका आग, दूसरा है अवध, तीसरा है आपका वंश और चौथा है आपका मक्खन। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका आग, ये आपका कैसा हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आग जो है ये अग्नि शब्द, अग्नि जो होता है ये आग का तत्सम रूप होता है। क्लियर है, और यहाँ पर दोस्तों आपके ये जो दो ऑप्शन हैं इनकी भी बात करें तो ये आपके तत्सम रूप हैं। वंश दोस्तों होता है वंश, ठीक है, वंश का तद्भव रूप होता है वंश। और मंथस दोस्तों ये आपका मक्खन का क्या है, तत्सम रूप है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका,
गांठ शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है गट्ठी, दूसरा है गट्ठर, तीसरा है अंगुष्ठ और चौथा है आपका ग्रंथि। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है गांठ शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ग्रंथि होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है इसका हमें चयन करना है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है गोसाई, और दूसरा दिया गया है आपका जाट, तीसरा है दोस्तों आपका संतापन और चौथा है आपका विक्षोभ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाता है, गोसाई। ठीक है, गोसाई जो दोस्तों शब्द है ये आपके गोस्वामी शब्द का क्या है? तद्भव रूप है। गोस्वामी यानी अगर हम बात करें गोसाई शब्द की तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गोस्वामी हो जाएगा। जाट दोस्तों ये जो आपको शब्द दिया गया है ये आपका होता है जाड़ा, जाड़ा शब्द का ये क्या है? तत्सम रूप है। यानी कि ये बाकी के तीन ऑप्शन आपके तत्सम रूप में है। पहला ऑप्शन आपका जो गोसाई था ये आपका तद्भव रूप था। संतापन दोस्तों होता है सताना, संतापन ये सताना जो शब्द है इसका तत्सम रूप होता है। विक्षोभ जो है ये दोस्तों आपका विछो क्या होता है? विछो शब्द का ये आपका क्या है? तत्सम रूप है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तत्सम और तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। यहाँ पर आपको तद्भव और तत्सम मिला करके जोड़े में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला देखेंगे दोस्तों, पहला आपका दिया गया है सुई और सुइया, दूसरा है आपका ग्वाल और ग्वाल, तीसरा है आपका गवार और ग्रामीण और चौथा है आपका आंख अक्षी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सुई सुइया ये तो गलत है, ग्वाल और गोपाल इसका ये भी गलत है और आंख का अक्षी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोस्तों सही हो जाएगा, गवार और ग्रामीण। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो सुई दिया गया है इसका जो तत्सम रूप है ये सुइया नहीं सूचिका होता है। क्या होता है? सूचिका। ग्वाल का दोस्तों आपका जो तत्सम रूप होता है ये होता है आपका गोपाल। क्या होता है? गोपाल। क्लियर है? और आंख का दोस्तों यहाँ पर अक्षी जो है ये गलत लिखा है, अक्षी में छा पर आपकी छोटी की मात्रा आती है तो अक्षी इस प्रकार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर चार, चतुष्पद, चतुष्क और चतुष्काठ, और डी आपका ऑप्शन दिया गया है चतुर्थ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ जो कि चौथे शब्द का क्या है? तत्सम रूप है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप आपको बताना है। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था आंख का जो तत्सम रूप है ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अक्षी। ठीक है, आंख का तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका बच्चा, दूसरा है आपका शब्द, तीसरा दिया गया है रोम और चौथा है आपका कास। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका तद्भव रूप है। और यदि हम इसके तत्सम शब्द की बात करें तो दोस्तों बच्चा का तत्सम होता है वत्स। क्या होता है? वत्स। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है ये दो तीनों ही आपके तत्सम रूप में पहले से ही हैं। जहाँ पर शब्द की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको शब्द के रूप में लिखा हुआ मिलता है। रोम की बात करें तो ये इसका आपका तद्भव रूप हो जाता है रुआ। क्या होता है? रुआ। और कास का दोस्तों जो तद्भव रूप है वो होता है खांसी। क्या होता है? खांसी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का हमें पहचान करनी है। तत्सम शब्द की आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है कई, दूसरा है आपका जब और तीसरा है आपका मोर, चौथा है आपका भक्त। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है भक्त, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। यदि हम इसके तद्भव शब्द की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा भगत। क्या हो जाएगा? भगत। ठीक है, और कई का दोस्तों हम डिस्कस कर चुके थे जिसका मतलब होता है कति, और जब का दोस्तों आपका जो तत्सम रूप होता है वो होता है यदा, और मोर का मयूर। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्कंद, स्कंद जो शब्द है स्कंद का तद्भव शब्द हमें निम्न में से बताना है। स्कंद शब्द आपका तत्सम रूप होता है। तो दोस्तों इसका जो
तद्भव रूप है, ये आपके ऑप्शन चार दिए गए, इनमें से हमें इसका चयन करना है। पहला है स्तंभ, दूसरा है अभ्यंतर, तीसरा है आपका कंधा और चौथा है आपका चौपाया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कंधा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है। बुभुक्षा दोस्तों जो आपका शब्द दिया गया है ये तत्सम रूप है, और इसके हम यदि तद्भव शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है अंगोछा, दूसरा है आपको भूख, और तीसरा है आपका छिलका और चौथा है आपका विछो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, भूख। ठीक है, अंगोक्षा, अंगोच्छा दोस्तों वो हम डिस्कस कर भी चुके थे, ये आपका अंग प्रोक्षा जो शब्द होता है अंगोच्छा का तत्सम रूप अंग प्रोक्षा होता है, भूख का बुभुक्षा हो जाएगा, और छिलका की यदि बात करें तो दोस्तों ये आपका शकल। ठीक है, तो ये आपका शकल हो जाएगा, और बिच्छो का दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है, ये होता है बिच्छो। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है अमीय, दूसरा है स्तंभ, तीसरा है मनुष्य, चौथा है गमन। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमीय जो शब्द है इसका तत्सम रूप होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें स्तंभ, मनुष्य और गमन, ये तीनों ही आपके तत्सम रूप में है। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, मनुष्य का तद्भव रूप हो जाएगा मानव, और गमन का मतलब हो जाता है गौना। क्या होता है दोस्तों? गौना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पीठ शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। पीठ आपको शब्द दिया गया है, इसका हमें तत्सम शब्द बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रस्वेद, प्रतिवेश, पृष्ठ और पुष्कर। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, पृष्ठ। क्लियर है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ गया है, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया हमसे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको चार ऑप्शन में से चयन करना है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है यानी कि तद्भव शब्द हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कार्य, दूसरा है आपका युक्ति, तीसरा है दोस्तों आपका चोटी और चौथा है आपका डी श्रृंगार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, चोटी जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी आपके कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। चोटी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका तद्भव रूप होता है चूड़ा। क्या होता है? चूड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया है महुआ, यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है महुआ, और इसका हमें बताना है तत्सम शब्द। महुआ यह है, ये जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, पहला है आपका मधु, दूसरा है मधु, तीसरा है मधुकर, चौथा है मधुआ। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, मधुक। क्लियर है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लंगोट, लंगोट जो शब्द है इसका तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। लंगोट आपका तद्भव शब्द होता है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे, लिंगोटा, लंगोटा और लिंगपट, और अगला है आपका लटा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लिंगपट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इनमें से शौत शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। यहाँ पर आपको जो शौत शब्द दिया गया है इसका आपको तत्सम रूप बताना है, ये आपका तद्भव शब्द है। तो आपके ऑप्शन है सौतन, सौतर्ण, सपत्नी और सहपत्नी। तो यहाँ पर साथियों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सौत का आंसर क्या हो जाएगा? सौत का तत्सम रूप सपत्नी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है। तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जुगति, जाड़ा, बड़ा और जेठ। तो दोस्तों जेठ जो है ये आपका तत्सम शब्द होता है, तो यदि हम इसके तद्भव शब्द की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है, जेठ। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहरा, वत्स, ताप और गंभीर। तो यहाँ पर दोस्तों जो बहरा शब्द है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। बहरा का तत्सम शब्द होता है बधिर। क्या होता है दोस्तों? बधिर, बधिर। क्लियर है,
और बस ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बच्चा बच्चे का तत्सम रूप है, ताप जो है वो ताव का तत्सम रूप है, और गंभीर दोस्तों होता है गहरे का तत्सम रूप, गहरा जो शब्द है इसका तत्सम रूप होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका सयाना, तीसरा है दूसरा है आपका सपना, तीसरा है आपका यज्ञमान, और चौथा है आपका ओस। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यज्ञमान, जो कि जजमान का तत्सम रूप होता है, जजमान का। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका संज्ञान, सपना और ओस ये जो दिए गए हैं ये आपके तद्भव रूप हैं। सयाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संज्ञान इसका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। सपना की यदि हम बात करते हैं तो इसका हो जाता है स्वप्न, स्वप्न। और ओस की यदि बात करते हैं तो इसका दोस्तों तत्सम रूप हो जाता है अवश्याय, क्या हो जाएगा, अवश्याय। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अहेर, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अहेर शब्द का हमें बताना है तत्सम रूप। पहला ऑप्शन है अरहर, दूसरा है आषाढ़, तीसरा है अहीर, और चौथा है आपका आखेट। तो यहाँ पर दोस्तों आखेट ही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अहेर शब्द का तत्सम रूप होता है आखेट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। पहला है आपका आलस्य, दूसरा है आपका आम, तीसरा है आग, और चौथा है आपका आसरा। तो दोस्तों आलस्य जो है, आलस्य आपका क्या है, तत्सम शब्द हो जाएगा। आलस्य का तद्भव होता है आलस, और आम, आग, आसरा, ये तीनों ही ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं दोस्तों ये तीनों ही आपके कैसे हैं, तद्भव रूप हैं, जिसमें आम का होता है आम्र। आम्र इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आग का अग्नि और आसरा का आश्रय, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द हमें बताना है। ऑप्शन है आपके, पहला है कपाट, दूसरा है कीटक, तीसरा है आपका कूची, और चौथा है आपका दोस्तों कुंभकार। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी नहीं दोस्तों, सॉरी, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, कूची। ठीक है, कूची का दोस्तों जो तत्सम रूप होता है ये होता है कूचिका। ठीक है, तो कूचिका जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कूची हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो कपाट दिया गया है ये तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव होता है किवाड़। और कीटक जो है ये दोस्तों आपका तत्सम रूप है कीड़ा शब्द का, किसका है, कीड़ा शब्द का। और कुंभकार दोस्तों ये कुम्हार का तत्सम रूप होता है। क्लियर है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को हमें पहचानना है। तो आपके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। पहला है आपका कोयल, दूसरा है कुक्कुर, तीसरा है आपका लाख, और चौथा है आपका भीतर। तो यहाँ पर साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुक्कर, कुक्कुर। ठीक है, कुक्कुर जो दोस्तों शब्द है ये आपका तत्सम रूप होता है किस शब्द का, कुत्ता शब्द का, यानी कि कुक्कुर का तद्भव रूप हो जाएगा कुत्ता। यहाँ पर बाकी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर पहला है कोयल, तो इसका दोस्तों तत्सम रूप हो जाता है कोकिल, कोकिल। और अगला आपका ऑप्शन है लाख, इसका दोस्तों तत्सम रूप होता है लक्ष्य। भीतर का दोस्तों जो आपका तत्सम रूप होता है वो होता है अभियंतर, क्या हो जाएगा, अभियंतर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भी हमें तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके गोपाल, घर, कपूत और सूत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोपाल। और ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, ये आपके ग्वाल शब्द का क्या होता है, तत्सम रूप होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द जो है वो दिया गया है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका चैत, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा है आषाढ़, और चौथा है दोस्तों फाल्गुन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चैत। ठीक है, चैत जो है ये आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव रूप है, और ये चैत्र। ठीक है,
चैत जो है ये आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम सही जो होगा वो क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। बाकी ज्येष्ठ, इसको हम जेठ बोलेंगे, इसका तद्भव रूप। आषाढ़ का होता है दोस्तों अषाढ़, ठीक है, आषाढ़ का तद्भव रूप क्या होता है, अषाढ़ होता है, और फाल्गुन का हो जाता है फागुन, क्या हो जाता है फागुन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन में से तत्सम शब्द जो नहीं है उसका चयन करना है। चार ऑप्शन है, नेह, क्षमा, नग्न और नख। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, और यदि हम इसके तत्सम शब्द की बात करते हैं तो ये आपका होता है नापित। क्या होता है दोस्तों, नापित। क्लियर है, और बाकी के तीनों ही ऑप्शन आपके कैसे हैं, तत्सम शब्द में दिए गए हैं, जिसमें आपका क्षमा जो शब्द है इसका दोस्तों तद्भव होता है क्षमा, यानी कि जिसमें छा छाता वाला बनता है। नग्न ये आपका, इसका तद्भव रूप होता है नंगा, और नख जो है इसका दोस्तों तद्भव रूप होता है नाखून, क्या होता है नाखून। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमें बताना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहां पर भी जो आपका तद्भव शब्द है उसका हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पार्श, दूसरा है आपका पाषाण, तीसरा है आपका पाहुना, और चौथा है दोस्तों आपका पेटक। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है पाहुना, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पाहुना का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है दोस्तों प्रागुण, क्या होता है प्रागुण होता है, ठीक है। और बाकी के जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही आपके तत्सम रूप हैं, जिसमें पार्श्व का तद्भव रूप होता है पास, और पाषाण का होता है पाहन, क्या होता है दोस्तों पाहन होता है। इसके बाद यदि हम बात करें पिटक, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, पिटक का दोस्तों तद्भव रूप होता है पिटारा, क्या होता है पिटारा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पनही जो शब्द दिया गया है दोस्तों इसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तांबूल, पर्ण, पढ़ ही, और लास्ट ऑप्शन है आपका उपानय। तो पनही जो शब्द है दोस्तों इसका तत्सम रूप होता है उपानय। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमने बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। दोस्तों मक्षिका जो शब्द है ये किस शब्द का तत्सम शब्द है, यानी कि इसके तद्भव शब्द का यदि हम चयन करें तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है मछली, दूसरा है मक्खी, तीसरा है मच्छर, चौथा है मिट्टी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मक्खी। क्लियर है, तो मक्खी का तत्सम रूप होता है मक्षिका। मछली का दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो हो जाएगा मत्स्य, क्या होता है मत्स्य। मच्छर का होता है मशक, मशक, और मिट्टी का दोस्तों होता है मृत्तिका, क्या होता है मृत्तिका। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द हमें बताना है, जिसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूंजी, मूर्ख, नयन और शकुन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कैसा है तद्भव रूप है, यदि हम इसके तत्सम शब्द की बात करें तो आपका हो जाएगा पुंज, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है पुंज, ठीक है। बाकी ये तीनों ही शब्द आपके कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं, जिसमें आपके मूर्ख जो होता है ये मूढ़ का तत्सम शब्द होता है, और नयन नैन का होता है, और शकुन जो है ये दोस्तों आपका सगुण शब्द का तत्सम रूप होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 42 नंबर का, जिसमें पूछा गया है थाली का तत्सम रूप क्या है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्थाली, थाली, थालिका और थाली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो थाली का तत्सम रूप क्या होता है, स्थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जामुन का तत्सम रूप क्या है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर चार दिए गए हैं, यामुन, यामुन, जम्बू और जाम्बुर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पंजर, पंडित, पंचाली और पंजीरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि पंजीरी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, द्वार, साय, गिरिस्ती और पांव। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी बी
बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा साय, साय जिसका आपका तत्सम रूप होता है सांझ, ये आपका तद्भव रूप है सांझ। ठीक है, इसके बाद बाकी के जो तीन आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके सभी तद्भव रूप हैं, जिसमें द्वार जो है इसका दोस्तों तत्सम रूप होता है द्वार, क्योंकि इस प्रकार लिखते हैं। और गृहस्थी दोस्तों ये आपका गृहस्थी शब्द का क्या है, तद्भव रूप है, यानी कि गृहस्थी का तत्सम गृहस्थी हो जाएगा। और पांव का दोस्तों आपका तत्सम हो जाएगा क्या, तत्सम शब्द पाद। क्लियर है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कर्पट, कर्पट शब्द का हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कटरना, कपाट, कपड़ा और कपट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हरिद्रिका, हरिद्रा, हलिद्रा और हरिद्रा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है, हरिद्रा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके चार ऑप्शन है, गृध, गीदना, गीदी और गीत। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गीत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नारियल जो शब्द है इसका हमें तत्सम रूप बताना है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर चार ऑप्शन है, नारिकेल, नारिकेल, नारिकेली और नारिकेला। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, जो कि है नारिकेल, यानी कि नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, नारिकेल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बारात, दोस्तों इसका हमें तत्सम रूप बताना है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन में से चयन करना है, वरार्थ, बरात, ब्रात और वर यात्रा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदर्शिका का तद्भव रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपका शब्द है जो आदर्शिका, ठीक है, इसका हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। आपके चार ऑप्शन है, अदरक, आदर्श, आरसी और आँच। तो दोस्तों ये आपका आरसी शब्द का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आरसी का क्या हो जाएगा, आदर्शिका, ये आपका तत्सम रूप हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमें बताना है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि घोड़े के लिए हम बात करें तो इसका तत्सम शब्द उपयुक्त कौन सा है। जैसे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, अश्व, घोटक, बाजी और तुरंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये चारों ही ऑप्शन घोड़े के ही क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए इसका तत्सम शब्द, तो दोस्तों आपको घोटक बताना है, क्या हो जाएगा, घोटक। तो ये आपको विशेष करके याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। यहाँ पर हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया है पंक्ति, बी है पंद्रह, सी है आपका पंख और चौथा है आपका पंगत। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंक्ति, ये आपका कैसा है, तत्सम शब्द है। और ये किस शब्द का तत्सम शब्द है, तो यहीं पर दोस्तों आपका ऑप्शन जो डी दिया गया है, पंगत, ठीक है, पंगत का ही ये क्या है, तत्सम रूप है। क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका पंद्रह दिया गया है इसकी यदि हम बात करते हैं, इसका तत्सम रूप हो जाता है पंचदश, क्या हो जाएगा, पंचदश। और दोस्तों पंख जो दिया गया है इसका हो जाता है पक्ष। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है तत्सम शब्द हमारा कौन सा है। पहला है जोबन, दूसरा है जोगी, तीसरा है आपका जमाई और चौथा है आपका यौवन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यौवन जो है ये आपका तत्सम शब्द है। और यदि हम इसके तद्भव रूप की बात करें तो इसका आंसर दोस्तों, यानी कि इसका तद्भव रूप इन्हीं ऑप्शन में मौजूद है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, जोवन, यानी कि यौवन का तद्भव रूप होता है जौवन। और बाकी की जो दो ऑप्शन है दोस्तों ये दोनों ही तद्भव रूप हैं, जिसमें आपका जोगी का हो जाएगा योगी, योगी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, योगी। और जमाई का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये होता है जामात्र, जामात्र। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। पहले आपको चार ऑप्शन देखने हैं, इनमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, गयंत, दूसरा है आपका अंगना, तीसरा है आपका अंगी और चौथा है आपका वानर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गयंत। गयंत का जो तत्सम रूप होता है वो होता है दोस्तों गज, क्या होता है, गज, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
जो तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है उसका हमें चयन करना है। आपके ऑप्शन है मृत्तिका, दूसरा है आपका विकार, तीसरा है आपका कपाट और चौथा है आपका डी यानी कि कपूर। क्लियर है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है कपूर, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका। कपूर जो है ये तत्सम नहीं है। यदि हम इसके तत्सम रूप की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है कर्पूर। क्या होता है दोस्तों? कर्पूर इसका बिल्कुल सही क्या है, तत्सम रूप है। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, मृत्तिका, ये आपका मिट्टी का तत्सम शब्द होता है। विकार की यदि हम बात करते हैं तो ये बिगाड़ का तत्सम रूप होता है। और ये जो कपाट है दोस्तों, ये किवाड़ का होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बताना है खंडहर, जो शब्द दिया गया है इसका हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका खंडहर, दूसरा है खंडग्रह, तीसरा है आपका खंडघर और चौथा है आपका खड़ग्रह। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, खंडग्रह। नेक्स्ट देखेंगे उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको उलाहना शब्द का तत्सम रूप चयन करना है। पहला है आपका ओरहन, दूसरा है आपका निंदा, तीसरा है आपका उपालंग और चौथा है आपका झगड़ा करना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है उलाहना का तत्सम रूप, वो क्या हो जाएगा, उपालंब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये दोस्तों हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन, जिसमें पहला है आपका करोड़, दूसरा आपका तेल, तीसरा है आपका दिन और चौथा क्या है आपका पीपल है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं किसकी, तत्सम शब्द का हमें चयन करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है दिवस। क्या होता है? दिवस होता है। करोड़ की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका तत्सम रूप होता है कोटि। क्या होता है? कोटि इसका क्या है, तत्सम रूप होता है। तेल का होता है तैल, ये आपका तत्सम रूप होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों जो आपका लास्ट ऑप्शन है, इसको अभी मैंने नहीं डिस्कस किया है क्योंकि जो हमारा ये ऑप्शन है ये आपका अगला प्रश्न है, इसी का तत्सम रूप हमें बताना है। क्वेश्चन है आपका पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो इससे हमें इस ऑप्शन का भी तत्सम रूप पता चल जाएगा। दोस्तों जो आपका पीपल है इसका तत्सम रूप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है पीपल, दूसरा है आपका पैपल, तीसरा है आपका पीपल और चौथा है आपका पीपल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पीपल जो शब्द है इसका तत्सम रूप होता है पीपल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टेस्ट के कुल 60 प्रश्न जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर आपको इनको अच्छे से तैयार करना है तो आप इनको देखते हुए और इनके साथ साथ जो मैंने आपको हर ऑप्शन के साथ उनके तद्भव और तत्सम रूप डिस्कस किए हैं तो उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा और उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्लियर है? तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये आज की क्लास मेरी अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।